हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बार आईआईटी जेईई नीट में आता है, एंड सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, ये जो बीएससी एमएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने मिला होगा। जैसे एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, एक बैक्टीरिया कॉलोनी है जो सेल डिवीजन से ग्रो होती है, वेयर ईच मदर बैक्टीरिया इज इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूसिंग टू डॉटर्स। मतलब अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया माँ है तो वो दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देती है, मतलब खुद को वो डिवाइड कर देती है और वो दो बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब एक से दो बैक्टीरिया बन गए, और हमें पता है जो सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई टूट के दो बन जाता इन 20 मिनट्स। मतलब उसका डबल होने का टाइम कितना है, 20 मिनट है। तो यहाँ पे 20 मिनट में वो डबल हो जाती है। अब देखिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 10^4 सेंटीमीटर क्यूब, द कॉलोनी बिकम्स हार्मफुल। अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया का हो जाए, 10^4, इतने बैक्टीरिया अगर पैदा हो जाएंगे तो वो जो कॉलोनी हो जाएगी वो हार्मफुल हो जाएगी बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, अगर उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 cm³ है, यानी ऐसे 5 बैक्टीरिया थे मेरे पास, 3, 4, 5, तो मुझे बताइए 10^4 का मतलब होता 1, 2, 3, 4, 10,000 बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगेगा। द टाइम टेकन फॉर द कॉलोनी टू बिकम हार्मफुल इज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बैक्टीरिया जब डबल होता है तो उसे 20 मिनट लगता है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर सीएसआईआर नेट में, गेट में बहुत बार आते हैं, आईआईटी जैम में। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, आई थिंक 2020 का या 2019 का ये क्वेश्चन है, आईआईटी जैम में ये क्वेश्चन आया था। नाउ इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सीधे देखिए इसके पीछे का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। अगर मान लीजिए आज मेरे पास एक बैक्टीरिया है, कल को वो बैक्टीरिया डबल हो जाता है, वो बैक्टीरिया दो हो जाएगा। मान लेते हैं उसको डबल होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं डबल टाइम, डबल टाइम। तो मैं उसको टी लिख देता हूँ, टी का मतलब होता है डबल होने में। अब जरूरी नहीं है वो हमेशा डबल होगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें चीज़ें ट्रिपल भी हो रही होती हैं, तो उस समय जो टी रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका ट्रिपल होने का टाइम। कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है तो एक 5 मिनट में 4 हो जाती है, 4 times हो जाती है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही, मतलब आज जितना था, थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। मतलब अगर आज मेरे पास दो हैं तो मान लीजिए फिर 4 हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, 16 का डबल हो जाएगा 32, 32 का डबल हो जाएगा 64। इस तरीके से जो ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आज जितना है 5 मिनट के बाद उसका डबल, फिर उस समय जितना होगा 5 मिनट के बाद उसका भी डबल, उस समय जितना होगा 5 मिनट के बाद उसका भी डबल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे पास पूछे जाते हैं, हाउ डू यू सॉल्व देम। तो इसी देखिए, इनका ना एक क्वेश्चन, एक फार्मूला याद रखना है आपको हमेशा। अगर अभी मेरे पास कुछ सर्टन क्वांटिटी है x, कुछ टाइम के बाद वो हो जाएगी 2x, उसकी डबल, कुछ टाइम के बाद वो हो जाएगी 2 × 2x जो अभी है उसकी डबल, कुछ टाइम के बाद वो हो जाएगी 2 × 2x। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अगर उतना ही टाइम है, जितने टाइम में ये डबल हुआ उतने ही टाइम में फिर से डबल हो जाएगा, उतने ही टाइम में फिर से डबल हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ 4 बार डबल हो गया, तो पहली बार डबल हुआ तो 2x, दूसरी बार डबल हुआ तो 2 × 2x, तीसरी बार डबल हुआ तो 2 × 2 × 2x, चौथी बार डबल होगा तो 4 बार मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो x हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितनी बार डबल हुआ? अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी बार, 5 बार डबल हुआ, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितना प्रेजेंट होगा। तो सर बड़ा सिंपल था, इनिशियल कितना था, x था, n₀ लिख देते हैं, इनिशियल x था, n₀ लिख देते हैं। कितनी बार डबल हो गया सर? वो जो है ना, वो 5 बार डबल हुआ, तो 2^5। फंडा समझ में आया? अगर मैं कहता हूँ कि आज मेरे पास x है, 5 बार डबल हुआ वो, तो बताओ ये 5 बार डबल होने के बाद मेरे पास कितना बचेगा। तो अगर आज आपके पास x है, 5 बार डबल होने के बाद, पहली बार डबल होगा तो 2x, दूसरी बार डबल होगा तो 2 बार 2x, 2 × 2x, तीसरी बार डबल होगा तो 2 × 2 × 2x, चौथी बार डबल होगा तो 1, 2, 3, 4 × x, और पांचवी बार डबल होगा तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2x। इन शॉर्ट 5 बार डबल होने के बाद मेरे पास कितना x होगा? तो सर x, और ये हो जाएगा 2^5। मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई x से कर दो, इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी 5 बार डबल होने के बाद। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, अगर कहीं पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, और मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो डबल का हो रहा है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो डबल होती जा रही है, तो मुझे बताइए आफ्टर सम टाइम कितना पार्टिकल मिलेगा। दैट विल बी इनिशियल कितना था, × 2^2, आप ऊपर लिख सकते हो n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स,
नंबर ऑफ टाइम्स इट गॉट डबल्ड, कितनी बार वो डबल हुआ? 5 बार डबल हुआ तो 2 रेस टू 5, 4 बार डबल हुआ तो 2 रेस टू 4, 3 बार डबल हुआ तो 2 रेस टू 3। समझ में आया? अगर वो ट्रिपल हो रहा होता तो भाई, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कहा गया नहीं कुछ देर के बाद वो ट्रिपल हो जाता है, बताइए 5 बार ट्रिपल होने के बाद मेरे पास कितना बचेगा? तो आज 5 था तो 3 टाइम्स 5, आज मेरे पास x था तो 3 टाइम्स x, फिर 3 इंटू 3x, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3x। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू हो जाएगा इनिशियल कितना था, इंटू 3 रेस टू n। तो ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये क्या कहते हैं? ग्रोथ कोएफिशिएंट। मतलब भाई ग्रोथ का कोएफिशिएंट कितना है, कितनी बार हो रहा है ग्रो? डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया। तो इसको तुम लिख सकते हो ग्रोथ कोएफिशिएंट, ग्रोथ कोएफिशिएंट, जो इनडायरेक्टली आपको बताएगा कि कितनी बार ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है ना? सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक सेल है जिसको डबल होने में, मान लीजिए सेल, मेरे पास कुछ बैक्टीरिया है एक्स, जिनको डबल होने में 5 मिनट लगती है, तो मुझे बताइए अगर ये 5 बार डबल होंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखो सर, बड़ा सिंपल सा है, फिर ये 2 इंटू 2x हो जाएगा, तो फिर अगला और 5 मिनट लगेगा, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2x हो जाएगा, यानी 3 बार डबल हुआ, पहली बार डबल, 2 बार डबल, 3 बार डबल, फिर से 5 मिनट लगेगा, यानी 15 मिनट के बाद वो 3 बार डबल हो चुका होगा। जितना 3 बार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब पहली बार डबल हुआ, फिर से डबल हुआ, फिर से डबल, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, फिर से अगर मैं बोलूँ अगले 5 मिनट में, मुझे बताइए कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2x हो जाएगा, यानी 4 बार डबल हो चुका है। अगर मैं तुमसे कहूँ कल को, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला, अगर मैं कल को तुमसे कहूँ मेरे पास एक सर्टन क्वांटिटी है x, मेरे पास एक सर्टन क्वांटिटी है x, मुझे बताइए अगर ये 5 मिनट में डबल हो रही है, अगर 5 मिनट में ये 2x हो जाती है, 5 मिनट में 2x हो जाती है, तो मुझे बताइए इस क्वांटिटी को 500x होने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है x, 5 मिनट में वो डबल हो जाती है, तो उसको 500x होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सर, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये 2 टाइम्स हुआ, 500 होना मतलब 2 का पावर कितना, हाउ मेनी टाइम्स वो डबल हो जाएगा, कितनी बार वो डबल होगा? तो देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको? 500x। स्टार्टिंग क्वांटिटी कितनी है? x, डबल हो रहा है, रेस टू n लगा दो। पहले तो पता करो x से 500x होना मतलब कितनी बार डबल हुआ, x का डबल 2x, फिर 4x, फिर 8x, 8 का 16x, 32x, 64x, 64x का डबल, उसका डबल, उस कितनी बार वो डबल हुआ, पहले तो इतना पता करो, यानी n का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालोगे? n, मतलब अगर आपको ये पता करना है कि कितना टाइम लगा है डबल होने में, तो आपको अगर n दिया है, n जीरो दिया है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, मैं फिलहाल उसको 2 लिख के चल रहा हूँ, रेस टू n दिया हुआ है, तो लॉग लगाओ दोनों तरफ, लॉग ऑफ n विल बी लॉग ऑफ n जीरो प्लस n इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। अब मैं यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कोएफिशिएंट क्या है। तो मुझे अगर n का वैल्यू पता कर, कितनी बार डबल हुआ, x से 500 होना, x से 500x होना मतलब कितनी बार डबल हुआ, x से 400x होना मतलब कितनी बार डबल हुआ, तो मैं निकालूंगा n का वैल्यू। तो मुझे बताओ n का वैल्यू क्या हो जाएगा? log टू द बेस 10 ऑफ n, यानी फाइनल वैल्यू, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ n जीरो होल डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 ऑफ 2। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला काम आएगा। इससे क्या पता चलेगा? देखो मैं अगर तुमसे कहता हूँ x से 500x होना, x से 500x होने में 7 बार डबल हुआ, 7 टाइम्स, तो एक बार डबल होने में कितना टाइम लगा? तो टाइम टेकन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? टाइम टेकन विल बी n मल्टीप्लाइड बाय आपको डबल होने का टाइम, टाइम फॉर डबलिंग, यानी डबल होने के लिए कितना टाइम टेकन फॉर डबल होने में जितना टाइम लगेगा, जिसको हम T2 लिख देते हैं। T2 का मतलब क्या था? डबल होने में कितना टाइम लगेगा। T3 का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा। तो जब भी आपको ये पता करना हो कितना टाइम लगेगा, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सर बैक्टीरिया कॉलोनी स्टार्टिंग कितनी दी हुई थी? 5। बनानी कितनी है? 10 टू द पावर 4। पहले तो पता करो 5 से 10 टू द पावर 4 होना मतलब कितनी बार डबल होगा।
पाँच का डबल 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320, ऐसे डबल 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 करते जाओ आप। तो मुझे बताओ एन का वैल्यू पता करो, एन लॉग फॉर्मूला क्या होगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन जीरो, और क्वेश्चन में डबल कहा है यानी कोएफिशिएंट डबल है, उन्होंने बोला ना प्रोड्यूसर्स टू डॉटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 हो जाएगा, लॉग टू द बेस एन यानी फाइनल कितना है 10 टू द पावर 4 यानी लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर 4 ऐसे लिखता हूँ 10 टू द पावर 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 कितना होता है 0.3010, बताओ कितना आया। अब देखो ये आ जाएगा 4 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 का आंसर आता है 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.3010, इसको सॉल्व करो 4 माइनस 0.6989 आंसर निकल के आता 3.3011 डिवाइडेड बाय 0.3010। तो n का वैल्यू पता करो कितना आएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 3.3011 डिवाइडेड बाय 0.3010, आंसर निकल के आता 10.9, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 11 ले सकते हैं यानी 11 बार डबल होने पर 5 से 10,000 हो जाएगा। श्योर करके देखते हैं, चलो ट्राई मारते हैं, जो हमने फॉर्मूला निकाला वो सही निकाला गया। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320। अब 320 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है 320 मल्टीप्लाइड बाय 2 640, ये कितना हो गया 640, 640 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर निकल के आएगा 1280 मल्टीप्लाइड बाय 2 2560 मल्टीप्लाइड बाय 2 5120 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया 10024। देखो सर हो गया अप्रॉक्सीमेटली 10,240 हो गया, पर हमारा आंसर 10.9 आया था। अब देखो एक गिनते हैं, क्या सच में 11 बार डबल हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर पूरा 11 बार डबल होता है तो 10,240 बनता है, हमें 10,000 निकालना था क्योंकि 10 टू द पावर 4 का मतलब 10,000 होता है, 10 टू द पावर 4 का मतलब। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं हम उसको, हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं कि भाई ठीक है 11 बार डबल होना पड़ेगा 11 बार, तो ये फार्मूला सही है। यस सर, अब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये फार्मूला लॉजिकल। पर एक बार डबल होने में कितना टाइम लग रहा था उसको, एक बार डबल होने में 20 मिनट लग रहा था, तो 11 बार डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी आंसर निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 220 मिनट्स। तो 220 मिनट के बाद वो 5 से 10,000 हो जाएगा 220 मिनट के बाद, क्योंकि 20 मिनट में वो डबल हो रहा था और यहाँ 11 बार डबल हुआ है, 5 से लेके 10,000 तक जाना था, तो 11 बार डबल का डबल होता गया। ये देखो सामने नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, डबल का डबल करता गया यानी आंसर 220 मिनट आएगा। तो ये फार्मूला जो आपको मैंने बना के दिया, ये इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला कहते हैं ना। सिमिलर पैटर्न पे क्या आप एक्सपोनेंशियल डीके का फार्मूला बना सकते हो, भाई देखो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। अगर ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, जब मैं बात ग्रोथ की कर रहा था, तो फार्मूला क्या बना, n विल बी इक्वल टू n जीरो इंटू 2 raised to n। अब ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो डिपेंड करता है, वो कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं डीके की बात करूँ यानी ग्रोथ डीके कम होना, तो कैन आई से n विल बी इक्वल टू n जीरो डिवाइडेड बाई 2 raised to n। जब डीके, जैसे अगर मैं कल को कहता हूँ मेरे पास 10,000 है, 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मान ले ऐसे लिखते हैं, अगर मेरे पास x है, x का हाफ, अब इसका भी हाफ, तो x डिवाइडेड बाई 2 into 2, इसका भी हाफ, तो x डिवाइडेड बाई 2 into 2 into 2। अरे इनडायरेक्टली जैसे ग्रोथ में आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, डीके में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ग्रोथ के फॉर्मूले में हमारा फार्मूला क्या निकल के आ रहा था, आप पहले n निकाल रहे थे, क्या फार्मूले से निकाल रहे थे n का फार्मूला, log टू द बेस 10 ऑफ n माइनस log टू द बेस 10 ऑफ n जीरो डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 ऑफ 2। अब मैं यहाँ डबल लेके चल रहा हूँ, अगर ट्रिपल हो रहा होगा तो ये 3 आ जाएगा, 4 हो रहा होगा तो वो 4 आ जाएगा। इसके फार्मूले में आप कैसे लिखोगे डीके के फार्मूले में, तो डीके का फार्मूला बनाना अब आसान है, हमको n चाहिए, तो 2 raised to n विल बी इक्वल टू n जीरो डिवाइडेड बाय n। अब अगर फार्मूला समझ सकते हो तो हमें log लगाना पड़ेगा, तो ये n log टू द बेस 10 ऑफ 2 हो जाएगा, विल बी log टू द बेस 10 ऑफ n जीरो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ n हो जाएगा, सिर्फ फार्मूले में उल्टा हो जाएगा। अब इसमें अगर मुझे n निकालना हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं
होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, n बचेगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे किसके लिए, अगर डी एन क्या बता रहा है, कितनी बार आधा हुआ, 5 बार आधा हुआ, 10 बार आधा हुआ, 15 बार आधा हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स इट गॉट हाफ। उसके बाद में अगर टाइम निकालना हो तो यहाँ पे टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल टाइम का फॉर्मूला था आपको निकालना है तो एन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितनी बार आपको डबल होने में ट्रिपल होने में कितना टाइम लग रहा था। यहाँ पर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम टोटल टाइम, तो मुझे बताओ कि कितनी बार हाफ हुआ मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ, कितनी बार आधा हुआ और एक बार आधे होने में कितना टाइम लग रहा था, टी हाफ। उम्मीद करता हूँ इस फॉर्मूले से, इस न्यूमेरिकल से चीज़ें समझ में आई। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया हमने, हमने इसके फॉर्मूलेज देख लिए, मैंने आपको ये लिस्ट बना के दे दी, प्लीज़ इनको याद रखना, ये फॉर्मूलेज और ये लिस्ट आपको काम आएगी जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो CSIR, NET या GATE के जैसे। तो ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा गया है या DK का क्वेश्चन पूछा गया है, ये मेक श्योर करना। कभी कभी बच्चे जो हैं फॉर्मूले ढंग से लगा नहीं पाते, बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो की बात कर रहे हैं या बैक्टीरिया कॉलोनी गायब होने की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं घुमा सकता था कि अगर मेरे पास 10^4 बैक्टीरियाज हैं तो बताओ उनको 5 बैक्टीरिया होने में कितना टाइम लगेगा अगर वो हर 20 मिनट में आधे हो रहे हैं। तो अगर 10^4 का मतलब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास 10,000 बैक्टीरिया हैं तो अगली बार में वो कितने हो जाएंगे, यानी जो चीज़ आप यहाँ से अब ऐसे लेके जा रहे थे वो अब आपको उल्टी लेके जानी पड़ेगी। 10,000 का 5,000, 5,000 का 2,500, 2,500 का 1,200, 1,200 का 600, 600 का 300, 300 का 160, 150, ऐसे करते करते आपको उल्टा जाना पड़ेगा, तब जाके आप 5 पे। तो ग्रोथ ये होता है, डीके उल्टा होता है। तो फॉर्मूले में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो उसी से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। अब यहाँ 2 आएगा या 3 आएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डबल बोला है ट्रिपल बोला है कि क्या बोला है। यहाँ पे 2 आएगा या ट्रिपल 3 आएगा वो बोला है, 1/2 बोला है, 1/3 बोला है या 1/4 बोला है। 5 मिनट में 1/4 हो जाता है, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है 1/2 हो जाता है, हाफ रिड्यूसेस टू इट्स हाफ, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और ये सारे क्वेश्चंस आपको JEE की बुक्स जो होती हैं, आप OP टंडन वगैरह की बुक अगर आप देखोगे आपको यहाँ मिलेंगे। इसके क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढना चाह रहे हो आपको OP टंडन या एन अवस्थी का जो बुक है, एन अवस्थी का जो बुक है आपको उसमें ये क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे। या अगर नहीं मिलेगा तो पी बहादुर का जो बुक आता है, ये JEE नीट की बुक होती है, मेनली JEE की बुक्स हैं ये, आपको इनमें भर भर के ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आज के इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।